नमस्कार, आई एम शालिनी। द सीबीएसई बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। कहा जाता है कि जब किसी देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना हो, बहुत बड़ा बदलाव लाना हो, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बदल दीजिए, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को बदल दीजिए। इसी के तहत हम सभी भारतीयों को भी 34 ईयर्स बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है। इसको लेकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। परिवर्तन तो बहुत होने वाले हैं। शिक्षा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है जो परिवर्तन लाता है, तो शिक्षक को भी तो हम परिवर्तनकारी कहेंगे। तो परिवर्तन तो बहुत होने वाले हैं। तो शिक्षा नीति बदल रही है तो शिक्षा को पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव आएगा, तो परिवर्तन तो बहुत होने वाले हैं। जब हमारी शिक्षा नीति बनाई जा रही थी तो हम सभी भारतीयों से हमारी राय मांगी गई थी, और लगभग 2 लाख भारतीयों ने अपनी राय भी रखी है, जिसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। सभी की राय को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका ड्राफ्ट पिछले साल 31 मई 2019 को कैबिनेट में पेश किया गया था। इस ड्राफ्ट को बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आया है। जो MHRD है उसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। इसके जो मिनिस्टर हैं वो अब एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि हमारे जो 2 करोड़ भारतीय बच्चे हैं जो इनरोल नहीं हो पाए हैं, ड्रॉप आउट हैं, मेन स्ट्रीम से दूर हैं, उन सभी को मेन स्ट्रीम में वापस लाया जाएगा। और जब ये बच्चे मेन स्ट्रीम में वापस आएंगे तो ये स्कूल जाएंगे और स्कूल जाकर ये पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग्स भी बढ़ने वाली है, और टीचर्स इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए, तो टीचर्स की जॉब भी बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बढ़ने वाली है, साथ साथ कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी पहली शिक्षा नीति की। 1968 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में हमारी पहली शिक्षा नीति आई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई, और हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति है उसी को 1992 में पीवी नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। आपको याद होगा उस समय यशपाल कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, और पहले कहा जा रहा था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है। लेकिन अब हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो मुझे ये लगता है जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि पहले बच्चे 11th क्लास में आते उनके अंदर जद्दोजहद शुरू हो जाती थी कि हम आर्ट्स में जाएँ, कि कॉमर्स में जाएँ, या हम साइंस लें, मतलब एक जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। बच्चे का इंटरेस्ट अगर बायोलॉजी में भी है और लेकिन वो हिस्ट्री भी लेना चाहता है लेकिन नहीं ले सकता था। फॉरेन कंट्रीज में तो ये हो रहा था, अब ये इंडिया में भी होगा। अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है और साथ साथ आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है लेकिन आप साथ साथ उसका अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आप किसी एक स्ट्रीम से बंध कर नहीं रह जाएंगे, अब आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और उनको आराम से इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के पूल बनाए जाएंगे और उन पूल में सभी तरह के सब्जेक्ट होंगे, और बच्चे अपने मनपसंद सब्जेक्ट के हिसाब से उस पूल का चुनाव करेंगे, शायद ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज ये हुआ है, जो 10+2 का फॉर्मेट था उसको चेंज कर कर अब 5+3+3+4 कर दिया गया है, यानी 10+2 12 ईयर्स, 5+3+3+4 यानी 15 ईयर्स। यानी कि अब एक बच्चा गवर्नमेंट की निगरानी में 12 साल ना रहकर 15 साल रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 10+2 का फॉर्मेट जो चेंज होकर 5+3+3+4 हो गया, उसके 1st 5 ईयर्स की बात करते हैं। इस स्टेज को हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, ये 5 ईयर्स की है। इसमें 3 ईयर्स प्री प्राइमरी के हैं और 2 ईयर्स प्राइमरी के हैं, यानी 1st क्लास एंड 2nd क्लास। किसी भी बच्चे की ये वो स्टेज है जिसमें वो स्कूल जाना सीखता है, स्कूल में एडमिशन लेता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने के डर से भाग जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है स्कूल का मतलब भारी भारी बैग कैरी करना और खेलना कूदना उनका बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसलिए वो स्कूल जाने के डर से भाग जाते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, बच्चों को बोझ मुक्त किया गया है। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और पढ़ेंगे, उनके ऊपर किताबों का कोई बोझ नहीं होगा, उनका कोई एग्जाम नहीं होगा, वो स्कूल जाएंगे खेल खेल में और अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा ही वो सीखेंगे। ये जो फाउंडेशन स्टेज है ये 5 ईयर्स का है। इसमें जो 3 ईयर्स है प्री प्राइमरी के, आप इसको प्ले वे कह सकते हैं, आप इसको आंगनवाड़ी कह सकते हैं, कि इसमें बच्चा जो आंगनवाड़ी की शिक्षिका है उनकी निगरानी में देखरेख में रहेगा। और जो प्राइमरी है 1st क्लास एंड 2nd क्लास, इसका जो करिकुलम है वो NCERT द्वारा तैयार किया गया है। फाउंडेशन स्टेज में बच्चों का जो एज ग्रुप होगा वो होगा 3 to 8 ईयर्स।
फाउंडेशन स्टेज का करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। पहले ईसीसीई जो होता था उसके जितने भी लेटेस्ट रिसर्च है, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी लेटेस्ट रिसर्च है, सभी को एनसीईआरटी ने अपने आप में सम्मिलित किया गया है। फाउंडेशन स्टेज का मेन फोकस ये रहेगा कि बच्चों को खेल खेल में और एक्टिविटीज़ के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाए, जैसे उनको अल्फ़ाबेट्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, नंबर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, कलर्स के बारे में, पजल्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, पपिट्री, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्रामा, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों का सोशल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो नेचर के साथ यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। बच्चों को प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड यहाँ पर लर्निंग सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों के नींव को मजबूत करने के लिए बहुत सारे मतलब खेल कूद और एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को खेल खेल में और अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाएगी और बच्चों को बोझ मुक्त होकर खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ों का उनको यहाँ पर ज्ञान कराया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेज की, 5+3 जो सेकंड थ्री ईयर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। इस स्टेज को हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। यहाँ पर क्लासेस होती हैं 3rd class, 4th class and 5th class। बच्चों का जो एज ग्रुप होगा वो होगा 8 to 11 years। यही वो स्टेज है जहाँ से बच्चे अपना एग्जाम देना शुरू करेंगे। इसी स्टेज में हम बच्चों को सब्जेक्ट्स के साथ भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, साइंस, सोशल स्टडी, मैथ्स, ड्राइंग के साथ। यही वो स्टेज है जहाँ पर हम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। और सबसे खास बात इस स्टेज की ये रहेगी कि आप 5th class तक जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। आप नेशनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं आप गुजराती में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये लगती है कि मान लीजिए जिन पेरेंट्स के ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कोई बच्चा केरल में है जिसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है और उसको ट्रांसफ़र होने के बाद महाराष्ट्र आना पड़ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं इसका भी कोई सॉल्यूशन निकाला होगा, बहुत सारी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही क्लियर होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं 3rd stage की, 5+3+3 यानी 3rd 3 years की हम लोग बात करते हैं। जो 3rd 3 years है इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। इसमें जो बच्चों का एज ग्रुप है वो 11 to 14 years है। क्लासेस 6th, 7th and 8th classes इसमें आएंगी। ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चों को एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसी 6th class से ही बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज भी मिलेगी। साथ साथ अब विदेशों की तरह भारत में भी छोटी उम्र से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा। और छोटी उम्र में ही बच्चे अब 6th class से बच्चे ये सीख पाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन्स बनाने की टेक्निक क्या होती है और कैसे बनाए जाते हैं। साथ साथ ही 6th class से बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बच्चे अपने मनपसंद वोकेशनल कोर्स का चुनाव करके इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारी लास्ट स्टेज की, 5+3+3+4 जो लास्ट 4 years हैं हम उनकी बात करते हैं। इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। इसमें बच्चों का जो एज ग्रुप है वो 14 to 18 years है। क्लासेस 9th, 10th, 11th and 12th है। किसी भी बच्चे के लिए ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे चल के भविष्य में अपना करियर चूज करेगा। तो यहाँ पर बच्चे को ये जरूर पता चलना चाहिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चा यहाँ तक आते आते अपने इंटरेस्ट को समझ सके और उसी के हिसाब से अपना करियर आगे चूज करेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हुई है कि अब बच्चे को 11th class में आकर किसी भी स्ट्रीम का चुनाव नहीं करना है। अब बच्चा जब 11th class में आ जाएगा तो उसको किसी भी स्ट्रीम का चुनाव नहीं करना है, वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं साथ साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ पाएंगे। अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं साथ साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ पाएंगे। स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और बड़ी मजे से आप बड़ी रुचि लेकर आप आगे पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सेकेंडरी स्टेज है उसके लिए सेमेस्टर सिस्टम किया गया है, यानी कि पूरे साल में हर 6 महीने पर आपका एग्जाम होगा। साल में आपके 2 exam होंगे, एक 6 महीने, 6 महीने के बाद एक एग्जाम, फिर 6 महीने के बाद एक एग्जाम। यानी कि अब आप पढ़ाई से जी नहीं चुरा पाएंगे, अब आपको पूरे साल पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपके दोनों सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। यानी आपको साल भर पढ़ना होगा। पहले बच्चे क्या करते थे कि एग्जाम आने वाले हैं, 1 या 2 महीने पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते थे और उनके मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलर पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, आप पढ़ाई से जी नहीं चुरा सकते।
सेकेंडरी स्टेज में एक चीज और है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज का चुनाव करना होगा और आपको उसकी पढ़ाई भी करनी होगी। आप कोई भी अपनी मनपसंद फॉरेन लैंग्वेज का चुनाव करेंगे और आपको वो पढ़नी होगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही जैसे कि अब जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या आप जिस लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा कम्फर्ट है आप वो लैंग्वेज लेंगे और उसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ज्यादा इजी बनाया गया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रटने को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, जो रटंत विद्या है उसको समाप्त कर दिया गया है और बच्चे की क्षमता पर ज्यादा जोर दिया गया है, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग पर और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब छात्रों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। पहले टीचर से छात्र का असेसमेंट करती थी और बताती थी कि उसने साल भर कैसा परफॉर्म किया है, लेकिन अब ऐसा टीचर्स तो असेसमेंट करेंगी ही स्टूडेंट का, लेकिन साथ साथ जो स्टूडेंट है वो खुद अपना सेल्फ इवेल्युएशन करेगा कि उसने साल भर कैसा काम किया है, उसे कैसे तैयारी की है, उसके साथ साथ उसके जो सहपाठी हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी उसका इवेल्युएशन करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि उसने कैसा किया है। करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज के बेस पर छात्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। छात्रों के अंदर जो बोर्ड एग्जाम का फियर था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के अंदर से बोर्ड एग्जाम्स के फियर को समाप्त किया गया है और साथ साथ बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि अब बच्चों को स्कूल और कॉलेज में फिर भी लोग गाइड करते हैं कि तुम्हें करना क्या है क्या नहीं करना, लेकिन एक बार जब वो कॉलेज में आ जाते हैं तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता उनको करना क्या है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को फोकस किया जा रहा है, इससे बच्चे ये जान पा रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट आकर है किस चीज में और आगे चल के उनको अपना करियर किस चीज में बनाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को सेल्फ इवेल्युएट करने की जो हैबिट डाली जा रही है, जो आदत डाली जा रही है, ये बहुत अच्छी है कि बच्चे अपने आप को जान पाएंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें कमियां कहाँ रह रही है। आशा करती हूँ आप सभी लोग मेरी इस छोटी सी कोशिश को सराहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए कि हम मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी, और जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।